हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड पे। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करवा चौथ मेकअप लुक, जो बिल्कुल काला नहीं पड़ेगा और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। जिनकी जो चाहते हैं कि इस बार हम दुल्हन की तरह दिखे, तो वो इस तरीके से मेकअप कर सकते हैं। मैंने इस तरीके के लहंगे के साथ पहना है। आप किसी भी ड्रेस के साथ मेकअप कर सकते हैं अपने लिप शेड और बिंदी को चेंज करके। तो वीडियो तक को लास्ट तक देखना ना भूलें, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। रखना बताया किस तरीके से रखेंगे। सबसे पहले अपनी स्किन को क्लीन करेंगे। यहाँ पर मैं VLCC क्लींजिंग मिल्क से अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, फिर टिश्यू पेपर से क्लीन कर दूंगी इस तरीके से। उसके बाद ले लेंगे हम VLCC का टोनर। उसमें स्प्रे नहीं होता है तो मैंने स्प्रे वाली बोतल में चेंज कर लिया है। उसके बाद ले लेंगे आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल गुड वाइब्स का यूज़ कर रही हूँ मैं। ये इस मौसम में थोड़ी स्किन ड्राई हो जाती है, मौसम चेंज हो रहा है, तो आप इस तरीके से मेकअप करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। स्किन ड्राई नहीं होगी और फटी फटी भी नहीं लगेगी आपको। अगला चलेंगे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र के लिए आप फेसिस कैनेडा ले सकते हो या VLCC का ले सकते हो, बट नीविया इस टाइम बहुत अच्छी है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई या कुछ कर सकते हो। इसके बाद चलेंगे प्राइमर। प्राइमर में आप पर्पल का ले रही हूँ, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। पूरे फेस पर अच्छे से डैब डैब कर लेंगे और स्किन को 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम आईज़ मेकअप की तैयारी करेंगे। आईब्रो डिफाइन करने के लिए मैं ले रही हूँ म्यूज़िक फ्लावर का जेल लाइनर, लेकिन आप फेसेस अल्टाइन प्रो की आईब्रो डिफाइनर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं या अपनी नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ NYB का। आपके पास अगर स्टेक्यूर की का है आप वो भी ले सकते हो। अपने डार्क सर्कल को कवर करेंगे, ऑरेंज के जरिए कर रही हूँ मैं ये, और फिंगर से अच्छे से डैप डैप कर लेंगे। उसके बाद मैंने लिया है बहुत ही कम बजट में डार्लिंग इज़ाबेला का कंसीलर। अपनी आई शेडो को एक अच्छा लुक दूंगी ताकि कलर उभर के आ जाए, और इस तरीके से कर लेंगे। फेयर टोन लिया है। सभी प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चेक करना बिल्कुल ना भूलें। और इस तरीके से अपनी ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे इसको ताकि बिल्कुल लाइन ना आए। उसके बाद मैं कर लूँगी इसको मोडा के कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट। सेट करना बिल्कुल ना भूलें, आईज़ मेकअप बहुत ही अच्छा होगा। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखें। फिर ले रही हूँ मैं स्विस ब्यूटी की ये आई शेडो पैलेट। मैं लूँगी डार्क पिंक और लाइट पिंक को मिक्स करके। मैं चाहती हूँ आपको ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना दूँ, जल्दी से बता दूँ मेकअप। इस तरीके से ले लेंगे अपने कट क्रीज लाइन से बैक तक, जितनी लॉन्ग आईज़ आप करना चाहते हैं ये लुक आएगा हमारा। इसके बाद इसका चाहेंगे तो गोल्डन शेड ले सकते हैं और थोड़ा सा डार्क शेड मैंने मजेंटा जो है एक पैलेट किट में हमें मिलता नहीं है तो मैंने दूसरे में से लिया है, और ये येलो कलर लगा लेंगे। येलो मैंने इसीलिए लगाया, बहुत उभर के आ जाता है, आपके आईज को एक अच्छा लुक भी देता है। येलो को अच्छे से सेट कर लेंगे जब तक आपको आपका एक प्रॉपर कलर नहीं मिलता, और दोबारा से वो पिंक कलर लगाएंगे ज़रूर, क्योंकि येलो ऊपर नीचे हो जाएगा तो एक बार में फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरीके से दोबारा से लगाएंगे। और इसके ऊपर शाइनिंग वाला मैंने स्टेक्यूकी का लगाया है और हाइलाइटिंग एरिया पर भी यही लगाया है। स्टेक्यूकी की मिनी पैलेट है, आप चाहें तो यह भी ले सकते हैं। इसके बाद दोबारा से एक बार अपना डार्क कलर करेंगे, क्योंकि ऊपर हाइलाइटिंग आने के बाद और नीचे जब येलो लगता है तो फिनिशिंग नहीं आती है। अब लेंगे लाइनर। अगर आपको लिक्विड लाइनर में प्रॉब्लम होती है तो आप स्केच लाइनर यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेक्यूकी का जेट ब्लैक है, वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, तो इस तरीके से लगा लेंगे। आज मैं थोड़ा सा मोटा लगाने वाली हूँ और पास करके आईज बिल्कुल आपको दिखा दूंगी, लास्ट में देखेंगे। और पूरा लहंगा भी देखना चाहेंगे तो देख लेंगे आप किस तरीके का, मैंने jotki.com से लिया था। इस तरीके से आईब्रोज को दोबारा से एक बार डार्क कर लेंगे। मैं थोड़ा सा लाइट करके चलती हूँ एक बार, प्रॉपर एक ही बार में नहीं करती हूँ, क्योंकि जो हमें साथ में मिस्टेक लगती जाती है आप क्लियर करते जाएंगे। और आईब्रोज को ब्रश के द्वारा कर लेंगे सेट। इसके बाद मैंने लोटस का लिप बाम लगा लिया है अपने लिप्स पे, क्योंकि मैं बेस बनाने वाली हूँ, और टेप को हटा देंगे। जितने भी आपके डार्क एरिया हैं तो उसको कवर करेंगे। आप चाहते हैं करवा चौथ है आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगाएंगे तो हो सकता है कि वो कवर ना हो। हाँ, अगर आपके फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ज़्यादा फुल कवरेज वाले हैं, तो वो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर चाहते हो कि आपको अच्छा बेस मिले, पिगमेंटेशन है, ब्लेमिश है, कुछ भी है, तो कवर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं यहाँ NYB का यूज़ कर रही हूँ। पहले ऑरेंज यूज़ किया है, उसके ऊपर थोड़ा सा येलो कलर का यूज़ किया हल्का सा। आप चाहें तो अपना स्किन टोन भी कर सकते हो, देख रहे हो कितना फ़र्क आ जाता है फेस में। यहाँ पर फाउंडेशन ले लेंगे आप। यहाँ मैं मोडा का फाउंडेशन ले रही हूँ और इस तरीके से लगा लेंगे फेस पर अच्छे से। मैं यहाँ पर क्यों दिखा रही हूँ फिंगर से, क्योंकि कई बार ब्रश नहीं होते हैं। अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से कर ले, ब्यूटी ब्लेंडर है तो ब्यूटी ब्लेंडर से कर ले। ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा वेट करना जरूरी होता है, वेट करके करें। और आपको कई बार मेकअप केकी केकी सा लगता है या उखड़ा उखड़ा लगता है तो पॉलिशिंग ब्रश से सेट करना बिल्कुल ना भूलें, तो आपका मेकअप बिल्कुल काला भी नहीं होगा और ज़्यादा हैवी भी नहीं दिखाई देगा।
उसके बाद ले रही हूँ डार्लिंग इज़ाबेला का एक कंसीलर, अपने मेकअप को और ज़्यादा सुंदर लुक देने के लिए आप कंसीलर का यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल ब्राइडल के लुक जैसा आपका मेकअप होगा और काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको। ब्यूटी ब्लेंडर से ही सेट कर लेंगे इसके बाद इस तरीके से, और जब तक सेट करेंगे जब तक आप वो अच्छे से सेट नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी करें, मैंने थोड़ी सी स्पीड लगा दिया ताकि वो छोटा कर पाऊँ। और इस तरीके से उसके बाद बैक में लगाएंगे, आज मैं दो तरीके से दिखा रही हूँ। बैक में लगाएंगे डार्क मजेंटा कलर जो हमने यूज़ किया है, पिंक और डार्क पिंक, और फ्रंट में लगाएंगे येलो, और बैक में भी लगाएंगे हल्का सा येलो ताकि बहुत सुंदर लुक आया इसका। उसके बाद फॉल्स आईलैशेज लगा लेंगे। आईलैशेज मैंने आज बहुत अच्छे वाले लगाए हैं और बहुत सुंदर वाली, फ्रंट से छोटी हैं और बैक से लंबी हैं। और इसके बाद एले गर्ल की कॉन्ट्यूर पैलेट से पाउडर कॉन्ट्यूर ही कर रही हूँ। पाउडर कॉन्ट्यूर किसी भी आई शेडो से भी कर सकते हैं आप, ब्राउन कलर होने चाहिए अगर आपके पास कॉन्ट्यूर पैलेट नहीं है तो, या लेना चाहते हैं तो लिंक चेक करना बिल्कुल ना भूलें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बाद मैं ले रही हूँ ब्लशर। ब्लशर मैंने आपको दो किट दिखाए हैं, मिस रोज़ के में बहुत प्यारे शेड हैं जो आज मेरे लहंगे से मैच हो रहे थे, मैंने वही लगाया, लाइट पिंक और डार्क पिंक। आप लगाना चाहते हैं नेचुरल तो शिवाना या एले गर्ल की पैलेट किट में से भी लगा सकते हैं। और देख सकते हो मेरी आईज़ का लुक, मैंने काजल यहाँ पर लिया है लोटस इकोस्टे, बहुत ही प्यारा काजल है और काफ़ी लॉन्ग टाइम चलता है। उसके बाद एक बार दोबारा से लाइनर लगाएंगे, लिक्विड लाइनर का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं अब दोबारा से इस तरीके से, ताकि और ज़्यादा सुंदर लुक आए। कलर बार मेबलिन कोई भी लगा सकते हैं। आईज़ लुक आपने देख लिया होगा, फ्रंट में थोड़ा सा स्टे क्योंकि की जो आई शेडो पैलेट में उसमें से गोल्ड है, फ्रंट में लगा लूँगी हल्का सा जहाँ पर हमने येलो लगाया था उसी के ऊपर, ताकि और अच्छा लुक आए। उसके बाद पर्पल का उसके बाद मस्कारा लगाएंगे। मस्कारा मैं पर्पल का ले रही हूँ, लॉन्ग लास्टिंग है, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, बहुत ही अच्छा लुक देगा। तो दोनों आईलैशेस को मिक्स करते हुए लगाएंगे और अपनी आईब्रोज पर भी लगा लेंगे थोड़ा सा, इससे क्या होता है आईब्रोज बिल्कुल सेट हो जाते हैं। उसके बाद मैंने लहंगे के कलर से ही मैच करके बिंदी लगाई है, और उसके बाद लगा लेंगे लिप शेड। लिप शेड मैं डार्लिंग इज़ाबेला का ही लगा रही हूँ, नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कौन सा शेड है। और देख रहे हो पूरा मेकअप काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं तो रेड भी मैं आपको दिखा दूँगी, बट आप इस तरीके का करना चाहते हैं कर सकते हैं। और उसके बाद मेकअप को सेट कर लेंगे। मेकअप मैंने मोडा से ही सेट किया था, थोड़ा कैमरा चलाना भूल गई थी, और आईज़ को दोबारा से मैं सेट ज़रूर करती हूँ। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ अगर आप अपने फेस को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं, रेवोल्यूशन का लिक्विड हाइलाइटर दिखा रही हूँ मैं आपको, यहाँ पर पहले इस तरीके से लगा लेंगे और उसके बाद लगाएंगे रेवोल्यूशन का इल्यूमिनेटर पाउडर, बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा हाईलाइट करता है। इस तरीके से लगा लेंगे जितना ग्लोई मेकअप दिखाना चाहते हो, जितना ब्राइड की तरह सुंदर दिखना चाहते हो। तो ये है मेरा मेकअप लुक, और उसके बाद सेट कर लेंगे ग्लैम 21 के मेकअप फिक्सर से मेकअप। तो आप देख सकते हो मैंने दो तीन तरीके से हेयर डू बताया आपको, अपने चैनल ऑल अबाउट हेयर पर डालूंगी। और सिर पे पल्लू किस तरीके से रखना है आप ये देख लेंगे। इस तरीके से कई लोग बोलते हैं कि मुझे सिर पर पल्लू रखना नहीं आता है, आप थोड़ा इस साइड से भी लूज छोड़ेंगे लेफ्ट साइड से, और इस तरीके से जूड़ा पिन लेंगे और अच्छे से फंसा देंगे। कई बार कहते हैं कि जूड़ा पिन से फट जाता है दुपट्टा, ऐसा नहीं होता है, आप लूज करके लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं फटेगा। और इसके बाद ये लहंगा मैंने jatki.com से लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सभी प्रोडक्ट के लिंक चेक करना ना भूलें। और मैंने आपके लिए गिव अवे निकाला है तो एक बार लिंक चेक कर लें, ज्वेलरी भी है उसमें। आपको मेरा मेकअप लुक पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।